This is second lecture on Hindu Marriage Act 1955. इस वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 2 धारा 2 को डिटेल में लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको याद हो जाएगा। अपने पहले वीडियो में हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा है, हमने सभी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को कवर किया है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। चलिए, सेक्शन 2 एक ऐसा सेक्शन है जहां से कई एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते हैं। सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये जो हमारा एक्ट है वो कहाँ और किन पर्सन्स पर एप्लीकेबल होगा, लागू होगा, तो क्या कहता है, आइए समझते हैं। दिस एक्ट अप्लाइज, नंबर ए, टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाई रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट। जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को कवर किया था तो हमने ये जाना कि ये जो हमारा एक्ट है, ये हिंदू लॉज जिन्हें हम पढ़ते हैं, ये उन सभी पर्सन्स पर एप्लीकेबल है जो हिंदू हैं, आइदर बाई बर्थ, बाई कन्वर्जन और बाई रीकन्वर्जन। तो एक पर्सन जो कि बाई बर्थ हिंदू है उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल है। एक पर्सन जो पहले किसी और रिलीजन से बिलोंग करता था एंड ही इज अ कन्वर्टेड हिंदू, तो उस पर भी ये एक्ट बराबर एप्लीकेबल है। अ पर्सन हु इज रीकन्वर्टेड हिंदू, यानी पहले हिंदू था फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ या किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हुआ और फिर से हिंदू धर्म को अपना लेता है, तो ही इज रीकन्वर्टेड हिंदू, तो इस पर्सन पर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बराबर एप्लीकेबल है। हमने ये भी जाना कि हिंदू मैरिज एक्ट और बाकी जितने भी हिंदू लॉज हैं, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, उन सभी पर्सन्स पर एप्लीकेबल है जो बाय बर्थ बाय रिलीजन हिंदू हैं या जो जैन हैं, जो सिख हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बुद्धिस्ट हैं। तो एक पर्सन जो कि बाय रिलीजन हिंदू है उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। एक पर्सन जो बाय रिलीजन जैन है या सिख है या बुद्धिस्ट है, उन पर्सन्स को भी इस एक्ट के तहत हिंदू कंसिडर किया गया है और उन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो कहता है पॉइंट वन, दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन, किसी पर्सन पर, किसी भी पर्सन पर एप्लीकेबल है जो कि बाय रिलीजन हिंदू है, हिंदू रिलीजन के किसी भी फॉर्म में अगर वो हिंदू है या किसी भी डेवलपमेंट में अगर वो हिंदू है, यानी
अगर बाई रिलीजन वो हिंदू है या हिंदू रिलीजन में आने वाले किसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, जैसे कि वीरा शैवा, लिंगायत, या अगर वो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज का फॉलोवर है, तो वो हिंदू है और इस नाते ये जो एक्ट है उस पर्सन पर एप्लीकेबल है। तो आई होप कि जो पॉइंट वन है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप कह सकते हो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दोज पर्सन्स हु आर हिंदू बाय रिलीजन और हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स लाइक वैरसवा, लिंगायत, और ही इज फॉलोअर ऑफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। दूसरा पॉइंट, टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, किसी पर्सन पर जो कि बाय रिलीजन बुद्ध हैं, बाय रिलीजन सिख हैं, बाय रिलीजन जैन हैं, यानी उनका जो रिलीजन है वो हिंदू रिलीजन नहीं है, लेकिन अगर वो सिख धर्म को मानते हैं या सिख हैं, जैन धर्म को मानते हैं या बुद्धिज्म को मानते हैं, तो वो भी विद इन परव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट दे आर कंसिडर्ड एज हिंदू एंड दस दिस एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन दो पर्सन्स ऑल्सो। ठीक है, पॉइंट सी, टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। तो कह रहा है कि उन पर्सन्स पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है जो कि उस क्षेत्र के डोमिसाइल हैं जिस क्षेत्र में ये एक्ट एप्लीकेबल है। अब समझो, अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करना, मैं कोशिश करूँगा कि उस बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर दूँ। ठीक, देखो, सेक्शन वन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, क्या कहता है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है ये एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, यानी पूरे इंडियन टेरिटरी पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो एक पर्सन जो कि डोमिसाइल है उस टेरिटरी का, जहां ये एक्ट एप्लीकेबल है, और वो पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, समझो, अ पर्सन हु इज डोमिसाइल इन द टेरिटरी वेयर दिस एक्ट अप्लाइज, यानी सिंपल सी बात है, ये एक्ट एप्लीकेबल है पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी में। तो एक पर्सन जो इंडियन डोमिसाइल का है उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, बशर्ते वो मुसलमान नहीं होना चाहिए, वो क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए, और ज्यू यानी यहूदी नहीं होना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज पर्सन्स हु आर मुस्लिम, ज्यू, पारसी एंड क्रिश्चियन बाय रिलीजन? इन्हें छोड़ करके जो भी पर्सन्स बचते हैं जो इंडियन डोमिसाइल के हैं उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। क्लियर? चलिए, नाउ एक्सप्लेनेशन।
आई होप कि जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें अभी के लिए 18 मेंबर्स हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन। द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख बाय रिलीजन एज द केस मे बी। तो कह रहा है कौन कौन वो पर्सन्स हैं या किन पर्सन्स को हम हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख मानेंगे, किन पर्सन्स को हम हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख मानेंगे। अब इसमें कहता है पॉइंट ए, चलिए एक वर्ड था हमने अभी पढ़ा कि वो पर्सन जो कि इंडियन डोमिसाइल का है लेकिन वो पर्सन जो मुसलमान नहीं है, जो यहूदी नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब व्हाट डज द टर्म डोमिसाइल मींस, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। Citizen by domicile means those who are born in territory of India. आप Indian domicile की हो, इसका मतलब ये है कि आपका जन्म भारतीय परिक्षेत्र में होना चाहिए। दूसरा, those whose either father or mother was born in the Those who are born in the territory of India, वो Indian domicile के हैं। Those whose either father, जिसके पिता या माता Indian territory में जन्म लिए थे, वो क्या है? Indian domicile का है। तीसरा, who has been ordinarily resident in territory of India for not less than 5 years immediately preceding commencement of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स में आया, एग्जिस्टेंस में आया 26 नवंबर 1949, उस दिन से पिछले 5 सालों से वो इंडियन टेरिटरी में रह रहे थे, तो उन्हें भी इंडियन डोमिसाइल का माना जाएगा। ठीक है, कन्फर्म। चलिए तो इन पर्सन्स को हम हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख मानेंगे। पहला कह रहा है एनी चाइल्ड, कोई बच्चा, लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट, फिर चाहे वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इललेजिटिमेट चाइल्ड हो। अगेन, व्हाट डज द टर्म लेजिटिमेट मींस,
a child who is born out of marital status of mother, वो क्या है? Legitimate child है. यानी एक बच्चा, एक संतान जो कि पैदा हुआ एक विवाहित स्त्री से, तो वो क्या है? लेजिटिमेट चाइल्ड है. इलेजिटिमेट चाइल्ड मीन्स अधर्मज, हु इज बोर्न आउट ऑफ एडल्टरस रिलेशनशिप, हुज मदर वॉज नॉट मैरिड व्हेन ही वॉज बोर्न, तो वो है इलेजिटिमेट चाइल्ड. तो क्या कह रहा है? एनी चाइल्ड, कोई बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, बोथ ऑफ हूज पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स, यानी दोनों लेजिटिमेट चाइल्ड के पेरेंट्स या इलेजिटिमेट चाइल्ड के पेरेंट्स, आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन. तो एक बच्चा, फिर चाहे वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, उसके पिता और माता हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख थे बाय रिलीजन, तो वो जो बच्चा होगा वो भी हिंदू कहलाएगा, वो हिंदू कहलाएगा. दूसरा, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, वन ऑफ हूज पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट्स बिलोंग्स और बिलोंग्ड. एक बच्चा, चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिसके माता पिता में से कोई एक, वन ऑफ हूज पेरेंट्स इज, क्या थे? हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे या सिख थे बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली, और उसे पाल पोस कर बड़ा किया गया. उसके, समझो, वन ऑफ हूज पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड हु इज brought up as a member of tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged. मदर या फादर में से कोई एक हिंदू था, तो एक बच्चा, मदर या फादर में से कोई एक हिंदू था या सिख था या जैन था या बुद्धिस्ट था, जिसे पाल पोस के बड़ा किया गया, मदर के फैमिली में जो आते थे उनके द्वारा, या जिस ट्राइबल कम्युनिटी से मदर बिलोंग करती थी, उस ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा उस लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड को पाल पोस के बड़ा किया गया, तो वो भी क्या है? हिंदू है. और तीसरा कहता है, एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन. कोई पर्सन जो कि बाय कन्वर्जन, बाय रिकन्वर्जन, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन में आता है, तो वो भी क्या है? हिंदू है. राइट. तो मदर या फादर में से कोई एक हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट
रिलीजन से आती थी या आते थे, और बच्चे का उसी ट्राइबल, उसी कम्युनिटी, उसी फैमिली में उसे पाल पोस के बड़ा किया गया है, तो वो भी क्या है, हिंदू कहलाएगा। और तीसरा, एक बच्चा जो कि आउटकम है कन्वर्टेड या रिकन्वर्टेड पर्सन का, हु बिकम हिंदू बाय कन्वर्जन और हु बिकम हिंदू बाय रिकन्वर्जन और हु बिकम बुद्धिस्ट बाय कन्वर्जन और रिकन्वर्जन, सिख बाय कन्वर्जन और रिकन्वर्जन, ठीक। अब पॉइंट टू, ये बीच में इतना डिस्टर्बेंस होता है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अभी आपने देखा कि कैसे बैकग्राउंड में नॉइज़ आने लगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें प्लीज़ आप इग्नोर करके वीडियो ध्यान से देखिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं जाएगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस एफर्ट को देखते हुए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन वन, जो ये पार्ट वन था, और एक्सप्लेनेशन के बाद शुरू होता है हमारा पार्ट टू। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन वन, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of constitution unless central government by notification in official gazette otherwise directs। kya keh raha hai, section 2 ke subsection 1 mein ya इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो उन पर्सन्स पर एप्लीकेबल नहीं होंगे जो कि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर हैं, जो विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में आते हैं। तो वो पर्सन्स जो किसी शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में आते हैं, उन पर ये जो एक्ट है या सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के जो प्रोविजंस हैं या इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो उन पर्सन्स पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बाद में अपने नोटिफिकेशन के द्वारा अपने ऑफिशियल गैजेट में ये प्रेस्क्राइब करता है कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स पर भी एप्लीकेबल होंगे, तो ऐसा हो सकता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस कर दिया है, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि ये जो हमारे तीनों नए एक्ट हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों 1 जुलाई 2024 से पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन BNS का सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 अभी के लिए लागू नहीं होगा। तो कह रहा है कि अगर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करती है कि अब शेड्यूल्ड ट्राइब के इस मेंबर पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो इट इज अप टू द गवर्नमेंट, राइट। अच्छा, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 क्या कहता है? आर्टिकल 366 क्लॉज 25 सिंपल ये कहता है, शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज जिन्हें आर्टिकल 342 में रेफर किया गया है, राइट। तो आर्टिकल 342 में जिन पर्सन्स को शेड्यूल्ड ट्राइब माना गया है या ट्राइबल कम्युनिटी माना गया है, उन्हीं पर्सन्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 366 क्लॉज 25, ठीक है। आई होप कि इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाएगा।
तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए। लास्ट है तीसरा सबसेक्शन 3, द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में कहीं भी मेंशन वर्ड हिंदू शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट इंक्लूडेड अ पर्सन हु दो नॉट अ हिंदू बाय रिलीजन इज नेवर्थलेस अ पर्सन टू हुम दिस एक्ट अप्लाइज बाय वर्चू ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। क्या कह रहा है आइए हिंदी में समझते हैं। इस अधिनियम के किसी प्रभाव से हिंदू पद का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो कि इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो कि यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे कि यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के बल से लागू होता है। सिंपल सी बात है, ये जो एक्ट है वो उस पर्सन पर तो एप्लीकेबल है ही जो बाय रिलीजन हिंदू है, साथ ही में ये एक्ट उन पर्सन्स पर भी बराबर एप्लीकेबल है जो बाय रिलीजन हिंदू नहीं है, यानी वो पर्सन्स जो बाय रिलीजन बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, वो भी क्या है इस एक्ट के इस अधिनियम के अनुसार हिंदू माने जाएंगे। राइट, सो दिस इज सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विच टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आई होप कि ये जो सेक्शन 2 है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, दूसरों से अलग लगते हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट शो करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर करिए और अगर आपको कोई क्वेरी रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम हिंदू मैरिज एक्ट के सभी इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे और यकीन मानिए अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो, तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इन वीडियोस के अलावा नहीं आएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।